हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है। आज का टॉपिक होगा दोस्तों क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज हम क्लास 11 और 12 का टॉपिक लेके आए हैं। आज छोटा सा टॉपिक लेके आए जो कि फर्स्ट चैप्टर से होता है क्लास 11 से, और सेकेंड चैप्टर से होता है क्लास 12 से। सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन। आज दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पे जैसे हम बात आती है मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन मीन्स मोलों का फ्रैक्शन की बात आएगी। अब कैसे बात करेंगे, अगर हम डिफाइन करेंगे दोस्तों इसकी, कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि रेशियो, द रेशियो ऑफ किस किस चीज का, मोल्स का। कोई भी, हमने कहा कोई भी सॉल्यूशन है, फॉर एन एग्जांपल ये कोई सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन किसका है, शुगर सॉल्यूशन। ओके, शुगर सॉल्यूशन है ये। इस सॉल्यूशन शुगर किससे मिलके बना होता है, एक तो वाटर से मिलके बना होता है, और एक किससे बना होता है, शुगर से। ओके, हमें ये पहले ही पता होता है कि वाटर इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इन द सॉल्यूशन, एंड शुगर और एनी सोल्यूट इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट दिस वन इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, एंड दिस वन इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट। ओके, तो अब हम बात करेंगे इस सॉल्यूशन का, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, और वी कैन सी दैट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। सो शुगर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब किसका, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर का मोल फ्रैक्शन, शुगर का मोल फ्रैक्शन। ओके, तो अगर शुगर सॉल्यूशन की बात आती है तो इसका किसका, किसके इक्वल होगा, वन के, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी, दिस वन इज द व्हाट, ए, एंड दिस वन इज द बी। यहाँ पर यूज कर लेते हैं, अभी दोस्तों बात को बताएंगे, इस पर भी डिस्कस नहीं करते। तो पहले इसका और इसका, यानी कि वाटर और शुगर दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर का कैसे निकालेंगे, मीन्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात आती है, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ना है, टेंशन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि दोस्तों अगर मस्त होके पढ़ोगे तो माइंड में एक एक चीज होती जाएगी, गारंटी लिख के देता हूं। ओके, तो क्या होगा दोस्तों, मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर इसको बात कह ली जाए, इसका नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट किसका निकालेंगे, सॉल्यूट कौन सा हुआ, शुगर। शुगर इसमें क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट क्या होता है, सेकेंड कॉम्पोनेंट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए एंड बी। नाउ तो मोल फ्रैक्शन मीन्स, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा जी इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। इज इट क्लियर, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। बी क्या हो गया, बी इज द शुगर, एंड ए इज व्हाट, वाटर। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन इज द एक्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से करेंगे। इज इट क्लियर, किसका निकाल रहे हैं, एक्स बी का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ऊपर जो होगा उसी का हम निकालते हैं, उसे हम लिखते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस, सॉरी एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। सो हम कहते हैं कि एन की वैल्यू मैथमेटिकल रिप्रेजेंट होगी डब्ल्यू अपॉन एम, क्या होगी, डब्ल्यू अपॉन एम, दिस वन इज द मास, और वी कैन से द वेट, और दिस वन इज द मोलर मास, मोलर मास। इज इट क्लियर, मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास कैसे निकल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। तो दोस्तों ऐसे हम किसका निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, शुगर का।
सॉल्वेंट की अगर हम बात करनी होगी, एक्स ए का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। आप कहेंगे कि इससे भी हम निकाल सकते हैं और इससे भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों से निकल के ऐसे भी निकल जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा। एक इसमें एक और बात आती है मेरे भाई कि x किसका डिनोशन है, डिनोटेड बाय किसको x से रिलेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से। b मतलब किसका निकाल रहे हैं, शुगर का, तो शुगर के मोल ऊपर आएंगे और नीचे जितने टोटल मोल्स होंगे सॉल्यूशन के वो नीचे लिखेंगे। अगर मोल फ्रैक्शन हम किसका निकालेंगे, वाटर का निकालेंगे, सॉल्वेंट का निकालेंगे, तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर आएंगे, बाकी टोटल नीचे आएंगे। ओके, इसके लिए दोस्तों एक और फॉर्मूला आता है, क्या अगर हमें एक्स बी का दिया हुआ हो या फिर एक्स ए का दिया हुआ हो, तो बिना यू दिस फॉर्मूले को यूज, विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो सॉल्व, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स बी। सो इफ एक्स बी इज गिवन, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ए। नाउ वी हैव वन फॉर्मूला, मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। ओके, इफ यू हैव अ वैल्यू ऑफ एक्स बी देन यू कैन व्हाट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ए, मीन्स एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, और वी कैन से दैट इफ द वैल्यू ऑफ एक्स ए इज गिवन देन एक्स ए। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल इजली, यू कैन इजली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी, इफ द कंडीशन इज दैट इफ द वैल्यू इज गिवन, एनी वन वैल्यू इज गिवन एक्स बी, आइदर एक्स बी और एक्स ए। ओके ओके दोस्तों, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूट का मोल्स या फिर सॉल्वेंट का मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिंपल ये बात की गई है एक्स बी की, तो बी का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो बी के मोल्स बाय टोटल मोल्स। ए का निकालेंगे तो ए के मोल्स बाय टोटल मोल्स। इज इट क्लियर? अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूले दिए हुए हैं, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, और यू कैन यूज एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, और एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जल्दी से जल्द देने का। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब बात आती है इसकी, क्या कि ये तो हमारा निकल गया, अब हमें ये एक पॉइंट आएगा कि हमें एन के बारे में तो अभी हमें पता चल गया कि एन निकालेंगे कैसे, हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। तो बात करेंगे मोल्स निकालने की, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट एन ए और हाउ टू कैलकुलेट एन बी, दिस इज आवर क्वेश्चन। मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, मीन्स 25 ग्राम ऑफ एन ए सी एल इज डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी 25 ग्राम एन ए सी एल को किसमें डिजोल्व किया गया, 250 ग्राम वाटर में, तो कैसे निकालेंगे मोल्स। तो हमने कहा एन ए सी एल क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, सोल्यूट है, तो दिस वन इज द वॉट बी एंड वाटर इज द वॉट ए, ए कॉम्पोनेंट। नो वेन यू विल कैलकुलेट द एन ए इज इक्वल टू वॉट, मास अपॉन मोलर मास, एम ए। इज इट क्लियर? ये नहीं कि मोल्स निकालने के लिए मास तो ले लिया इसका और मोलर मास ले लिया इसका, ऐसे नहीं है। अगर ए का है तो डब्ल्यू ए ही लेना पड़ेगा, और एम ए है तो एम ए भी इसका लेना पड़ेगा। कैसे, डब्ल्यू ए इसका दिया हुआ 250 ग्राम बाय एम ए मोलर मास, हमें पता है कि वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18 होता है। कैसे, क्योंकि 1 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1, तो 2 प्लस 16 टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 से हम इसको डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल 18 वन जा 18, 60, 6 वजह 60 हो गया, 18 थ्री जा 54,
54 हो गया, फिर 6 आ गया, 0.08 3 3 जा 54, तो हमारा समथिंग क्या आता है, 13.3 आता है। इज इट क्लियर? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन बी। एन बी, एन ए समझ में आया ना, पहले एन ए के मोल्स निकाल लिए, अब किसके निकालेंगे, बी के निकालेंगे। बी क्या है, एन ए सी एल है, देन अगेन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी कितना है इसका, 25 है, और एम बी हमारा कितना निकलेगा, एन ए सी एल का निकाल लो। तो एन ए का कितना होता है, 23 × 1 एंड प्लस 35.5 × 1। 23 ये हो गया और 35.5 ये हो गया, टोटल हमारा कितना हो जाता है, 58.5 हो जाता है। फ्रेंड्स क्या हो जाता है, 58.5। तो कोई भी नहीं मेरे भाई, 58.5 लिख दो मेरे भाई, मेरे दोस्तों लिखो, और पॉइंट नीचे से उड़ा दो और ऊपर जीरो लगा लो। क्या होता है, 250 by 585। इसको जब हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा, पॉइंट जीरो हो गया। कितनी टाइम्स जाएगा, 55 या नहीं जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 2585 × 4, 4 5 या 20 0, 2 5 4 8 या 32 32 34 3 4 5 या 20 या 23। 2500 में से इसको माइनस कर, तो 0 ये आया, 6 आया, ठीक है। यहाँ पर 4 में 3 160 आ गया, ओके। कितने टाइम्स जाने पर, 4 टाइम्स, 160 पॉइंट लगा के एक जीरो लगा लो, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा क्या, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ओके दोस्तों, 2 टाइम्स जाएगा। तो 0.42 हमारा ये निकल गया, ओके। अब बात आती है दोस्तों सिंपल सी कि मोल्स किसका आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन ए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसका मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होता है तो एन बी की वैल्यू दी हुई है ये, और नीचे दोनों को ऐड कर दो नीचे, और ऊपर वाला जो है डिवाइड दे दो। इसमें एन ए की वैल्यू पहले ऊपर ये लिख दो, नीचे टोटल वैल्यू लिख के कैलकुलेट हम कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं होता कि ये बड़ा दिखता है तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू निकालो और क्या हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस जो इसकी वैल्यू आएगी वो पुट अप कर देना, और 1 में से माइनस कर देना, देन यू विल गेट द आंसर। दोस्तों आई होप कि ये समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इतना टफ भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये दोस्तों। अगर लगता है कि अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे आपके उसका आंसर देने की। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था, अगली क्लास से फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बेस तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, और हमेशा हमारे साथ रहिएगा। ओके, जय हिंद।